फ्रेंड्स, आप ऐसे ही इसमें पानी लगाएं। ऐसे हो जाती है। देखना फ्रेंड्स, ये देखो कैसी करारी करारी सी, मतलब जैसे हमारे ऐसा लगता है जैसे कि तंदूर में बनाई हुई, और बहुत मतलब देखना फ्रेंड्स, ये करारी करारी ऐसे जैसे लगता है कि तंदूर में बनाई हुई, और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई मैंने, और गरम गरम ये आप सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। भिंडी को थोड़ा सा मैंने फ्राई कर दिया है। फ्रेंड्स, फिर आप इसमें रख दें फ्राई करके, कोई भी आपका जाली वाला बर्तन होता है उसमें रख दे इसको। अगर आपका लगता है कि आपने ऑयल ज्यादा डाल दिया है, और 5 मिनट के लिए आप ऐसे ही रखें। आप प्याज को भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये मैंने प्याज फ्राई कर दिए थे, ये भिंडी है और ये प्याज। फ्रेंड्स, आप जब तड़का लगाएंगे तो आप बिल्कुल कम रिफाइंड ऑयल, जो भी आपका इच्छा हुए वो कम डालें, क्योंकि आपकी सब्जी पहले ही जो आपने भिंडी फ्राई की हुई वो ऑयली है, तो आप तड़के के लिए कम ही डालें। और अब इसमें डाल दूंगी जीरा। ठीक है जी, और फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच किया करें, आप सपोर्ट करें मुझे। और अब इसमें डाल दूंगी मैं हरी मिर्च और प्याज। फ्रेंड्स,
हल्दी और किचन किंग डाल दिया मैंने, और नमक आप पहले कम ही डालें क्योंकि भिंडी कम हो चुकी है फ्राई करके, तो कम ही नमक डालें आप। मिर्ची मैंने हरी वाली डाल दी है जी। बस आप इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने दें। हमारा मसाला तैयार हो चुका है, अब इसे हम टमाटर की ग्रेवी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह पकने देंगे। ठीक है जी, फ्रेंड्स बस ऐसे ही आप उसको पकाते रहें। जब तक अच्छी तरह पकना जाए ना मसाले टमाटर, फ्रेंड्स अब आप इसमें फ्राई किया हुआ प्याज डाल दें और साथ में आप फ्राई की हुई भिंडी भी डाल दें फ्रेंड्स। ठीक है जी, देखो फ्रेंड्स अब बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है, देखो बिल्कुल भी, देखो ऐसे मतलब सारा ज़्यादा होती है ना, मुझे जैसे तली हुई चीज़ें वो नहीं है इसमें। और आप इसको स्लो स्टीम होती है उसी पे ही ये रखें, तेज गैस ना करें। बहुत टेस्टी लग रही है मुझे खाने में, अभी मैं आपको खा के बताऊंगी कि कैसी बनी है।